राजेश शर्मा सुरागीलाल न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। क्या आप जानते हैं काशीपुर से कौन है कांग्रेस के प्रबल दावेदार युवराज नरेश चंद? कुमाऊ के चंद्रवंशीय राजा व पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा के पुत्र युवराज नरेश चंद्र के विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस पार्टी की ओर से काशीपुर सीट पर प्रत्याशी बनाए जाने की प्रबल संभावना से कुमाऊ की राजनीति फिर से गर्मा गई है। युवराज नरेश चंद्र को टिकट मिलने की संभावना की खबर से छावनी में लोगों का तांता लगना शुरू हो गया है। अगर उन्हें कांग्रेस टिकट देती है तो उनका सीधा मुकाबला चार बार से लगातार भाजपा के काशीपुर से विधायक रह चुके हरभजन सिंह चीमा जी के पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा से व आप नेता दीपक बाली से होगा। आपको बता दें, युवराज नरेश चंद्र के पिता सांसद केसी सिंह बावा चंद्रवंशी राजा हैं। चंपावत अल्मोड़ा चौकुटिया से लेकर बिजनौर तक का क्षेत्र उनकी रियासत का कभी हिस्सा हुआ करता था। युवराज नरेश चंद्र इस राजघराने की 24वीं पीढ़ी के सदस्य हैं। तराई से लेकर पहाड़ तक इनके पूर्वजों द्वारा दान की गई भूमि धार्मिक व सामाजिक स्थल बने हुए हैं। जागेश्वर में इनके पूर्वजों ने 365 गांव दान दिए हैं। अल्मोड़ा की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा नंदा राज जात का प्रतिनिधित्व यही करते हैं। राजनीति से पहले राजा चंद्रवंशी राजघराने से राजनीति में कदम रखने वाले युवराज नरेश चंद्र के पिता केसी सिंह बाबा कांग्रेस से दो बार नैनीताल उधमसिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। अपने मधुर व सरल स्वभाव के चलते युवराज नरेश चंद्र जनता के बीच जनसेवक की छवि बना चुके हैं। इस राज परिवार के पूर्वज आनंद सिंह ने आजादी की लड़ाई में कुमाऊं में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ तिरंगा फहराया था। सुरागीलाल न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दिलप्रीत सेठी आप सभी का सुरागीलाल न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। आज लोग जानना चाहते हैं कि कुंवर नरेंद्र चंद सिंह जी कौन है, तो आज हम रूबरू कराएंगे आपको और जानते हैं उनसे। नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र चंद सिंह है और मैं काशीपुर की तरफ से कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे, मेरे पिताजी श्री केसी सिंह बाबा ने कांग्रेस के लिए और काशीपुर के लिए 30 साल तक एक्टिव रहे और आप लोगों के सहयोग से उन्होंने काम किया, सांसद रहे और अब मैं पॉलिटिक्स में उतर के चाह रहा हूं कि वही परंपरा चल रहे। मैं आज जानना चाहता हूं कि आप राजनीति में आखिर क्यों उतरे? मेरे पिताजी ने कांग्रेस के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से 30 साल समाज सेवा की है और मैं भी चाहता हूं कि मुझे मौका मिले काशीपुर की जनता की सेवा करने के लिए। मैं एक युवा नेता हूं, नई सोच से आया हूं, जिसका फायदा मिलता है। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ बुजुर्ग जुड़े, टीम वर्क हो, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता एक साथ आए और उन सबको मिला के जो काशीपुर की समस्याएं हैं, एक नहीं है बहुत है, वो एक एक करके सबको ठीक किया जाए। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।